तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के 8 रन पर दो विकेट गिर चुके हैं। एक और बॉल हवा में गई और लगता है एक और विकेट आसानी से मिल जाएगा हमें। तो गाइस देख सकते हो मैंने 3 विकेट ले लिया ऑस्ट्रेलिया के, वो भी 8 रन के अंदर में, और वो भी भाई हार्ड मोड में। तो गाइस अगर आपको भी ये बॉलिंग ट्रिक जानना है तो वीडियो को पूरा देखना, और हाँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस मैंने इस बॉलिंग ट्रिक को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक तीसरा और चौथा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसे मिस कर देते हो तो आप विकेट नहीं ले पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको कौन से बॉलर के साथ खेलना है। तो मैं बता दूं आपको कि ये एक फास्ट बॉलर की ट्रिक होने वाली है, इसलिए आपको 3 से 4 फास्ट बॉलर लेकर ही मैच खेलना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको किस साइड से बॉलिंग करनी है। तो अगर आपके सामने में कोई राइट हैंड बैट्समैन है तो उसको लेफ्ट साइड से एंगल बनाते हुए बॉलिंग करनी है। अगर कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो उसको राइट साइड से बॉलिंग करनी है। तो गाइस तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको फील्ड की सेटअप कैसे करनी है। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो फील्ड सेटअप दिख रही होगी, आपको इसी फील्ड सेटअप को अपने मैच में लगाना है। अगर समझ में ना आ रहा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस फील्डिंग सेटअप करने के बाद आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको बॉल को कहाँ पिच करवानी है। तो गाइस मैंने जो आपको एक फील्ड सेटअप बताया है उसमें आपने देखा होगा कि सभी जो फील्डर हैं वो लेग साइड की तरफ हैं, इसलिए आपको बैट्समैन के पैर के सीध में गुड लेंथ एरिया में बॉल करनी है और डिफरेंट डायरेक्शन का यूज़ करना है। और गाइस सबसे लास्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन कौन से डायरेक्शन का यूज करना है और कितनी कितनी स्पीड पर यूज करना है। तो गाइस इसके लिए आप स्लोअर, लेग कटर और स्विंग इन स्विंग ऐसी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर स्विंग करा रहे हैं तो आपको स्विंग में स्पीड को पूरा हाई रखना है, और अगर आप ऑफ कटर या लेग कटर करवा रहे हैं तो आपको तो स्पीड को पूरा लो करके रखना है, तभी आपको विकेट मिलेगी। तो गाइस अब मैंने इस बॉलिंग ट्रिक को यूज़ करके जो विकेट लिए हैं आपको मैं बता देता हूं, और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर की जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।